हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मोबाइली वाईफाई राउटर में, इस वाले राउटर में दोस्तों, किसी ने आपके मोबाइल फोन को ब्लॉक कर दिया है, तो आप जो है खुद से कैसे अनब्लॉक कर सकते हो। दोस्तों, आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपके पास जो है वाईफाई का पासवर्ड होना चाहिए, और दोस्तों आपके पास जो है कोई दूसरा एक मोबाइल फोन होना चाहिए, फिर जो है आपने मोबाइल फोन को ब्लॉक से अनब्लॉक कर सकते हो। तो कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, आपको जो है दूसरे मोबाइल फोन में वाईफाई को ओपन कर लेना है। चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, जिस वाईफाई में आपका मोबाइल फोन ब्लॉक है, उस वाईफाई का पासवर्ड आपको एंटर करके अपने मोबाइल फोन में कनेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं कनेक्ट कर देता हूँ, पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर लिया। अब दोस्तों, वाईफाई जब आपके मोबाइल फोन में कनेक्ट हो जाएगा, तो दोस्तों आपको जो है बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों, आपको जो है क्रोम का यूज करना है। चलिए मैं क्रोम ओपन कर लिया। क्रोम ओपन होने के बाद दोस्तों, आपको सर्च बार में जो वाईफाई का आईपी एड्रेस होता है, आपको एंटर करना है। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। 192.168.1.1 लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे जो है इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे दोस्तों यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है आपसे। तो यूजर नेम और पासवर्ड में आपको सेम डालना है, एडमिन स्मॉल में, एडमिन छोटा अक्षर में। तो चलिए मैं लिख देता हूँ ADMIN, और पासवर्ड में भी एडमिन। एडमिन डालने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, तो वाईफाई की जो सेटिंग है यहाँ पे ओपन हो जाती है होम पेज। अब दोस्तों यहाँ पे वाईफाई पे क्लिक कर देना है। वाईफाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जब आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको जो है नीचे आना है इस तरीके से, और नीचे आपको दिखेगा नंबर 1 और MSC। यहाँ पे आईपी एड्रेस एक होता है जो आपका मोबाइल फोन जो ब्लॉक है उसका यहाँ पे दिखेगा, और नीचे आपके बगल में ही, इसके बगल में ही दोस्तों डिलीट का ऑप्शन आएगा। तो जैसे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे, तो जो आपका मोबाइल फोन ब्लॉक है आपके किसी दूसरे वाईफाई में, वो ऑटोमेटिक अनब्लॉक हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे ऊपर मेरा वाईफाई जो है ऑटोमेटिक कनेक्शन कट गया। तो अब दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने मोबाइल के वाईफाई राउटर में किसी ने अगर आपको ब्लॉक कर दिया है, तो अनब्लॉक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो इस वीडियो में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज यार चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।